सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मंगल तालाब के पास एक देशी कट्टा के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम मुकेश कुमार है। वह टीना गांव चंडी थाना नालंदा का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि युवक मंगल तालाब के पास से जा रहा है, जिसे पुलिस ने गश्ती के दौरान पकड़ा। जिसके बाद पुलिस ने युवक की जांच की तो युवक के पास एक देशी कट्टा बरामद हुआ। वहीं बरामद हुए देशी कट्टा के साथ युवक को कड़ी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज क्राइम 24 की रिपोर्ट। सामान लेके नहीं आए थे सर, हमको सब फंसा दिया है। पकड़ा गया, क्या कुछ मामला? कल मैं दीवा गश्ती में था, इसी बीच हमारे एडिशनल थाना अध्यक्ष एसआई कृष्णा प्रसाद ने मुझे फोन किया कि आप जो है मंगल तालाब पर लोकेशन बनाए। मैं वहां गया तो पता चला, सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है मुकेश कुमार, ग्राम टीना थाना चंडी जिला नालंदा का रहने वाला है, उसके वो जो है मंगल तालाब सिटी स्कूल के बगल से जा रहा है। वो उसको रोक करके कृष्णा सर और हम सभी मिल करके जो है उसको रोक करके पूछताछ करने लगे, उसकी जांच किया। जांच के क्रम में उसके कमर से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है और फिर उसके बाद जो है उसको वहां से हम लोग थाना ले आए उसको पेट्रोलिंग गाड़ी से, और वह शराब का भी सेवन किया हुआ था, जिसे जांच के क्रम में उसे जो है पता चला कि इसने शराब का सेवन किया हुआ है, इसे आज जेल उसको दिया। क्या लगता है कि सर कि ये लड़का या अपराधी मामले से या आर्म्स सप्लाई के कारण? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, पूछताछ चल रही है। पूछताछ के क्रम में अगर जो बात आती है, वो चूंकि वह कह रहा है कि हम आईआईटी के स्टूडेंट हैं, हम अपने सुरक्षार्थ रखे, मैंने पूछताछ किया तो बोला कि हम सुरक्षा के लिए, हमने कहा कि सुरक्षा तो पुलिस करती है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा, आप क्यों आर्म रखे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारा कहना है कि जब नालंदा का लड़का है, फिर यहाँ सिटी जो है आने का क्या कारण है? तो आओ भी देसी कट्टा लेकर के, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बेचने की ख्याल से ही आया जो पकड़ा गया। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।